भी नहीं है, खाऊंगा कैसे? हाँ फंसेगा कोई, वो भी ये तो फंस गई चिड़िया। मैडम आपको भी गोलगप्पे खाने? गोलगप्पे? हाँ तुम्हें क्या मतलब? बा मेरा मतलब ये है कि मुझे भी खाने। तो जाओ खाओ पागल कहीं के। मैं खाता लू मगर उन्हों करा दोनों को खिलाऊंगा। जाओ खाओ। ₹5 हो गए भाई। भैया गोलगप्पे खिलाना। कितने के खिलाऊं जी? भाई साहब मुझे तो 4 खिला दो, बाकी ये जितना खाए से खिला दो। अच्छा जी। खिला दे मुझे लग रहा नया नया खिला रहा। भैया मीठा मत डाल। अभी खोली भाई दुकान। आराम से। भाई कदा पूरा डूबो दे। ये लो जी आप भी पूरा डूबा हो ले हो। मैडम आप पे खुले पैसे हैं या मैं दूं? मैं अपने आप दे दूंगी, आप जाइए। चलिए ठीक है मैं जा रहा हूँ। मेरा नाम शेख चिल्ली है। भाई साहब कितने पैसे हुए? 10 रुपए हुए जी। मैंने तो 5 के ही खाए हैं। 5 के जो आपके मियाँ खा के गए। मियाँ? मियाँ होंगे तेरी बहन के। मैं तो उस कमीनी को जानती भी नहीं हूँ और मैं नहीं देने वाली पैसे वैसे। मैडम पैसे आप ही दे के जाओगे। मैडम जब वे पूछ रहे थे पैसे मैं दे दूंगा तो आपने पैसे देने नहीं दिए उन्हें कि मैं अपने आप दे दूंगी पैसे। तो पैसे मैडम मैं आप ही से लूंगा। अगर नहीं दिए तो ये जाने नहीं देगा। उस हरामजादे से तो बदला लेना ही है। क्या नाम बताया था? हाँ शेख चिल्ली। ये लीजिए आपके पैसे। ठीक है जी। अरे अमीन, अरे कहाँ गए तुम सब लोग? मामू क्या बात है? क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं मामू, खाना खा रहे थे। खाना खा लिया? हाँ मामू। अच्छा लो मुझे भी दे देते मैं भी खा लेता। अरे शेख चिल्ली भाई तुम कहाँ गए थे? मैं सारे में ढूंढ आया तुम्हें। मैं चला गया था जी घूमने के लिए। अबे ये कौन है? मामू ये मेरा दोस्त है, मेरे गांव का है। ये परेशान है बहुत, मैं इसे अपने साथ ले आया। अच्छा क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मामू मेरा नाम शेख चिल्ली है। शेख चिल्ली। मामू तुम दुनिया की शादी कराओ, तुम्हें लोग शादी खान गए, मेरे दोस्त की भी शादी करा दो। शादी करेगा? हाँ मामू 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 मेरी शादी करा दो। मामू मामू तुम कितने अच्छे हो। मामू तुम्हारी शिकल मेरी अम्मी से मिलती है, मेरे अब्बू से मिलती है। मामू मेरी शादी करा दे, बस मेरी शादी करा दे। मुझे छोड़ तो सही, जब ही तो कराऊंगा तेरी शादी। चल तुझे एक लड़की बताऊं मैं। लड़की? मामू चल उधर बैठ, पहले उधर बैठ। ठीक है मैं उधर बैठता हूँ। बेटे की जान देख, लड़की तो है बड़ी सुंदर है। सुंदर है? हाँ लेकिन उसकी शर्त है, उसका बाप बड़ा शरीफ है और उसकी माँ और बेटी एक नंबर की शैतान है। दोनों शैतान है मामू। ये बात तो सोचने वाली है मामू। बोल भाई शेख चिल्ली क्या शर्त है मामू? शर्त? अगर तू शर्त झेल जा तो सिर्फ 6 दिन में शादी करा दूंगा तेरी। 6 दिन में शादी? तू कितने अच्छे मामू। मामू मैं हर साल झेल जाऊंगा, मैं झोड़ में कूद जाऊंगा। झोड़ में कूदने की जरूरत नहीं है। झोड़ में कूदने की जरूरत नहीं है? झोड़ से खतरनाक शर्त है। क्यों ना इस मगरूर लड़की शादी इस शेख चिल्ली से करा देता हूँ। अपना भांजा बता के इस पे जूत भी पड़ देंगे
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसने उल्टा कर दिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मामू क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ बेटा कि इसकी शादी करा ही देता हूँ। अब तू शर्त सुन ले। शर्त बता दो मामू। देख उसकी शर्त ये है, उस लड़की से जो लड़का शादी करेगा सुबह को उठ के 5 जूत रोज उसके सर पे मारेगी। ये कोई बात हुई? इससे अच्छा तो कोई और देख लो। ए मामू तुम चुप रहो भाभी। मामू जो हो रहा होने दो। लगन दो रगड़ा, लगन दो, लगन दो। ये तो बिल्कुल तैयार है भाई। मैं तैयार हूँ मामू। चल तो ठीक है, मैं आज ही आके बात कर लेता हूँ। ठीक है मामू। मामू चल चल चल, शाबाश मेरे बच्चे। तू फिक्र मत कर, मैं तेरा आज रिश्ता करा दूँ, आज ही करा दूंगा। आजाद करा दो, आजाद करा दो। 6 दिन में ही बापू। छोड़ो। भाई आज हम सबको यहाँ क्यों बुलाया आपने? अरे बुलाया कि भाई, ये सलीम को देखने के लिए आए। बुलाओ सलीम को, देख की बात की है। अरे सलीम आ जा भाई, कहाँ है? सलाम अलैकुम। देखो भाई ये बच्चा हमारा। हाँ भाई देखा लड़का? हाँ जी, लड़का तो अच्छा है, हमें पसंद भी है। ओ वो तो बढ़िया बात है भाई, पर मेरी एक शर्त है। बताओ शर्त, बताओ कुछ। मेरी लड़की लड़के का 5 जूत रोज मारा करेगी। हैं? अरे दोबारा कहिए भाई, ये तो समझा नहीं मैं। मैं ये कह रहा था कि मेरी जो लड़की है ना, अच्छा वो तुम्हारे लड़के के 5 जूत रोज मारा करेगी। मतलब तेरी लड़की हमारे लड़के के जूत मारेगी? ठीक ना जाइए मजे हमसे गम्बूरी ले अपनी अभी ले जा। नया रिश्ता करण देखो, ये हमें रिश्ते करण। अबू अब हम ऐसे पिटते रहेंगे? देख बेटी तू अपनी जीभ छोड़ दे, मैं 10 जगह होके आया हूँ। जहाँ पर भी जाता हूँ लोग मेरी बेइज्जती करके मुझे भगा देते हैं, और आज तो भसरा ही छेद दिया। अबू मैं तो अम्मी की ही बात मानूंगी। तुम्हें पता है अम्मी रोज तुम्हारे 5 जूते मारती है, टाइम तक देखते भी नहीं हो। बेटी हमारी बात तो पुरानी हो गई, तुझे गाँव में सब बदतमीज कहते हैं। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि मेरे जैसी बीवी ऊपर वाला दुश्मन को भी न दे। क्या कह रहे हो? मैंने सब सुन लिया है, लड़कियों क्या पहाड़े पढ़ा रहे हो। हमने जो कह दिया वो कह दिया, चाहे लड़का कभी मिले। अस्सलाम वालेकुम शेर खान। भाई शेर खान जी, मैं इसलिए आया था, मुबारक को आपको, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी लड़की के लिए लड़का मिल गया है। सच? शादी खान जी, शादी जल्दी करा दो। मैं नहीं कहती थी, ऐसा लड़का जरूर मिलेगा। कुछ तो बताओ, उसके गांव का नाम क्या है? दूर का नहीं है, मेरा अपना खुद का भांजा है, नाम है उसका शेख चिल्ली। बहुत सुंदर लड़का है। आप 5 तो क्या, उसको रोज 6 जूते मार लेना। कहीं ये वही तो नहीं जो मेरे पैसों से गोलगप्पे खा गया था? चाचा जान, कहीं ये वही तो नहीं जिसकी पतली सी दाढ़ी है और वो कच्छा पहन के घूमता है? हाँ हाँ वही तो है, मगर तुम कहे जानती हो बेटी उसे? मैंने भी तेरे से निकाह करके तेरा हिरन नहीं बनाया तो मेरा नाम भी रुखसाना नहीं। हाँ हाँ कर दूं? क्या सोच रही है? हाँ अम्मी हाँ कर दो, अब जल्दी शादी करा दो मेरी, मुझे बदला भी तो लेना है। हाँ हाँ कर दी, पक्का निकाह करा दो। ठीक है जी, कराए देता हूँ। हाँ लेकिन उस लड़के की एक शर्त है, उसे जहेज चाहिए। अच्छा? और जहेज में कुछ सामान चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको जहेज में एक मुर्गी, एक मूसल, एक छाछ यानी के सूप और एक खाली कनस्तर चाहिए।
हमें सब मंजूर है सादी खान जी। ठीक है, अगर आपको सब मंजूर है तो मैं चलता हूँ। अब आप लोग शादी की तैयारी करो। अच्छा, सलाम अलैकुम। बेटी तेरा नसीब बहुत अच्छा है। हाँ। हाँ। अच्छा, मैं पता तो जब लगेगा जब शादी हो जाएगी। अरे तू चुप रह। वाह सालू, आज तू भी खेत में नहीं गया हरामी। आज छुट्टी है, अभी तो छुट्टी कर लेने देख लो। शेख भाई, अब तो मामू तुम्हारी शादी करा देंगे, फिर तो साथ साथ रहा करेंगे। साथ साथ तो रहेंगे। जो औरत अपने शोहर को 5 जोत रोज मारेगी है, इनकी कितनी बदनामी होगी, इनके साथ साथ हमारी कितनी बदनामी होगी। भाभी तुम चिंता मत करो, मैंने भी साली का हिरन ना बनाया तो मेरा भी नाम शेख चिली नहीं। बस एक बार मामू मेरी शर्त पूरी करवा दे, फिर मैं न जानी। हाँ क्यों सलमू? सही बात है। बेटा रे, तेरी एक एक चीज मिलेगी, बस आगे तू जान कि तू आगे क्या करेगा। हमने तो कभी नहीं सुना जो 5 जूत रोज अपने पति के मारे। या अल्लाह, कैसा जमाना आ गया ये। ठीक है होने दे जो हो रहा, तू खाना बना चल के, हमें भूख लगी है, अभी आते हैं हम। चलो देख, चलो 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 घूम के आते हैं। बेटे मामा ने कुछ खबरी दे दी। अबे शादी के 6 दिन रह गए, तैयारी भी करनी है। अब तू बैठा बैठा मेरा मुंह क्या टुकड़ टुकड़ देख रहा, चल पानी लेगा। पता नहीं क्या होगा शेख चिल्ली का। और कैसे हो भाईजान, कैसा चल रहा है काम धाम? पहले वाला तो काम भाईजान बंद कर दिया, अब एक नया टीवी का काम चालू करा है, देखते हैं ऊपर वाला कैसे करता है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है सलीम भाई? अमीन भाई ठीक है भाईजान, आप भी ठीक हो? हाँ जी ठीक है। कैसे खड़े हो यहाँ पे? खड़े क्या है भाईजान, मैंने सुना है कि 5 जूते वाला रिश्ता तुमने अपने दोस्त से करा दिया है। भाई जब हमारे शेख जी राजी हो गए तो रिश्ता भी हो गया। खामोश चपड़ गंजू, जब ने रिश्ता किया तो किया। वैसे रिश्ता था बड़ा बेइज्जती वाला, लेकिन मेरे अब्बू ने सालों को मार मार के भगाया। भाईजान मैंने भी साली को सबक ना सिखाया ना, तो मेरा भी नाम शेख चिली नहीं। तुम क्या सबक सिखाओगे, जब 5 जूते रोज पड़ेंगे ना तो गांव का सर भी शर्म के मारे झुक जाएगा। गांव का सर झुकेगा या उठेगा ये तो वक्त बतलाएगा। देखो जी, तुमने पहली बार अच्छा काम किया है, मेरी रुखसाना को अच्छा शोहर दिलाकर। तुम कितने अच्छे हो। अच्छा तो मैं पहले भी था, पर तुम माँ बेटियों ने छोड़ा कहाँ? अम्मी एक बात और, उन्होंने तो दहेज भी नहीं मांगा, अब्बू तो बहुत सारा सामान देने से बच गए। मुझे सामान बचानी पड़ रही है, मुझे इज्जत बचानी भारी पड़ रही है। लोग क्या कहेंगे कि जैसी माँ वैसी बेटी? देखो अगर एक लफ्ज भी निकाला ना तो बिन बात के कुछ हो जाएगा। होना क्या है, बगैर टाइम के जूते मार लेगी। मगर मैं ऊपर खुदा से जाके पूछूंगा कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो ये शेरनी मेरे पल्ले बांध दी। अच्छा चुप करो, दहेज का सामान लेकर आओ। अच्छा जा रहा हूँ, दहेज का सामान ही लेकर आऊंगा। शेर खान जी, काजी जी नहीं आए? काजी जी कहीं बाहर गए हुए हैं, मैंने लड़का भेजा था। बाहर गए हुए? क्या अमीन भाई, तुम तो कर रहे थे निकाह, मामू भी पढ़ा दे। हाँ मामू पढ़ा देंगे निकाह। मामू बढ़ा दे तो मामू को बुला लो। ठीक है मैं भी बुलाता हूँ। मामू, ओ मामू, ओ मामू, निकाह बढ़ा दे, वार हो रही है, पता नहीं इधर उधर घूमते रहे। मामू आ जाएंगे अस्सलामुअलैकुम। अबे कैसे चीख रहा है? निकाह बढ़ाने कह रहे हैं। मामू निकाह पढ़ा दो शेख चिल्ली का। अबे ये निकाह भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तुम पढ़ा दे नहीं हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे प्यारे रसूल हैं। अब पढ़ो शेख चिल्ली वल जलालुद्दीन हमारे निकाह में रुखसाना बेगम वल शेर खान 2000 सिक्का राजुल वक्त बिना नाम नफके के 5 जूते सुबह को क्या तुम्हें कबूल है? हाँ जी मैं कबूल करता हूँ। ऐसे बोलो मैंने कबूल किया उसको। अच्छा जी मैंने कबूल किया उसको। एक बार और बोलो। मैंने कबूल किया उसको। ठीक है एक बार और बोलो। मैंने कबूल किया उसको। मैं मेरे से चाहे 10 मेरा कमा लो। शाबाश खड़े होकर सलाम करो। सलाम वालेकुम सबको। सलाम वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो। बैठो बेटा यहाँ बैठो। शेख जी 5 जूत रोज लगा करेंगे कबूल है? खामोश चपड़गंजू। 5 के 6 मार ले मुझे कबूल है। भाई ये क्या 5 जूते रोज निकाम है? ये तो हमने पहली दफा सुना है। हाँ तो मौजूद साहब गाड़ी कौन सी मंगाई जाए? अजी गाड़ी क्या मंगानी, मैं तो यूँ कह रहा था कि घोड़ा बुकी मंगा लो। हमारा दामाद घोड़ा बुकी में जाएगा? ये तो बड़ी शर्म की बात है। शर्म की ऐसी तैसी में शर्म की बात है। हमें तो घोड़ा बुकी ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है मामू। घोड़ा बुकी ठीक है, घोड़ा बुकी मंगा लो। और वो बताओ कि हमारे जहेज का सामान कहाँ है? जहेज का सामान रखा है। एक भी सामान कम ना हो वरना मैं बिल्कुल निकाली करने वाला। नहीं बेटा नहीं ऐसे नहीं बोलते। ठीक है तो जाओ आप तैयारी करो। मुर्गी मुसल छाज भी और कनस्तर भी। कहाँ गए शेर खान जी, ये सामान नहीं लाए? ये ठीक है मामू बैठ जाऊं। बेटे की जाल ये सही है, खुले में चलेंगे साली। यामिन भाई बैठ जा, चल रहा आलमो तू भी बैठ। लो ले भाई ये पकड़, ये भी पकड़। मुर्गी कहाँ है? अच्छा इसमें है। मुर्गी पहले चाहिए? हैगी। ठीक है हैगी। इसे रख दो। ठीक है जी तो तुम एक काम करो लड़की को ले आओ। जाओ सामान ले आए, बेगम को लाए नहीं। मेरी बारात इसमें जाएगी बुग्गी में? बड़े शर्म की बात है। अच्छा और जो तुम माँ बेटी करती हो बड़ी इज्जत की बात है। अम्मी अम्मी अबू अच्छा तो शेर खान जी। अच्छा प्रधान जी कोई गलती हो गई तो माफ कर देना। अजी बस आपकी बच्ची को अपनी बच्ची बना के ले जा रहा है। ठीक है मामू बैठ लो, चलो बैठ जाओ